आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात नमस्कार। मेरा नाम इंदु बाला है। मैं राजकीय आदर्श उच्च विद्यालय सेक्टर 41 से चंडीगढ़ में हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे शिक्षा में सुनय निवेश समिति के द्वारा चुना गया है। मैं उस समिति का तहे दिल से और HDFC बैंक का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे यहाँ दिल्ली आने के लिए और मेरे क्रियात्मक कार्य को बढ़ावा प्रोत्साहन देने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मेरे नवाचार का नाम है समूह में प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन करना। चंडीगढ़ में अक्सर बच्चे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए जो किताबें होती हैं उनकी अनुपलब्धि होती है, सरकार से सभी किताबें उनको मुहैया नहीं करवाई जाती, खास तौर पर जो व्याकरण की पुस्तिका है उनके लिए वो उपलब्ध नहीं होती। तो इस दौरान मैं खुद ही उनके लिए इसका समाधान निकालती हूँ। मैं कक्षा में उन्हें नोटबुक में, जैसे मैंने एक्टिविटी उनको करवाई है कार्क, उन्हें पहले लिखवाती हूँ, फिर मैं उनको विस्तृत से उसकी जानकारी देती हूँ, उसके भेदों के बारे में बताती हूँ कि जैसे कारक के साथ हम विभक्ति को जोड़कर शब्द कैसे बनाते हैं और शब्दों के सहयोग से वाक्य का निर्माण कैसे होता है। जैसे कारक आठ प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में कर संबोधन अधिकरण में पर संबोधन है। अरे अब बच्चे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पहले आराम से बताया जाता है, फिर उनको एग्जांपल से उदाहरण से बताया जाता है। जैसे राम ने खाना खाया, इसमें मैं उनको रेखांकित करती हूँ उस लाइन को, शब्द को, जैसे राम ने विभक्ति के साथ, तो बच्चे समझ जाते हैं कि राम ने खाना खाया, यानी इसमें कर्ता कारक है। अगला दूसरा मैंने पॉइंट लिया कि राम ने शाम को खाना खिलाया। बच्चों को इस प्रकार कारक के साथ विभक्ति जोड़कर उन्हें वाक्य बनाना सिखा दिया जाता है। इस प्रकार बच्चे आसान तरीके से ग्रामर यानी व्याकरण सीख जाते हैं कि वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है। यह तरीका विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल है, हर कक्षा के लिए यह ठीक रहता है और इसको उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। इस क्रियाकलाप के द्वारा, क्रियात्मक कार्य के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं ज़्यादा मात्रा में भाग लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनसे हमें फीडबैक यानी रिजल्ट भी अच्छा प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में जैसे विद्यार्थियों के अनुसार वो जैसे पाँच पाँच के ग्रुप बना दिए जाते हैं, चार ग्रुपों में उनको विभाजित कर दिया जाता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि शिक्षा में इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यह बड़ा ही बेनिफिशियल है, लाभकारी है। इससे हमें शिक्षकों को भी और छात्रों को भी बेनिफिट यानी लाभ प्राप्त होगा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावशाली और रुचिकर बनाया जा सकेगा। धन्यवाद।